क्या आप जानते हैं सिर्फ एक क्लिक में बिना किसी थर्ड पार्टी टूल बिना किसी खर्चे के सिर्फ YT स्टूडियो में एक सेटिंग ऑन करके YouTube वीडियो में किसी भी लैंग्वेज में सबटाइटल ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो बिना स्किप किए इस छोटे से सेटिंग को पूरा देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर पे आएंगे, यहाँ टाइप करेंगे YT स्टूडियो, देन इस पर क्लिक कर लेंगे, देन हमारा YT स्टूडियो क्रोम ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। इतना होने के बाद हम कंटेंट पे क्लिक करेंगे, फिर इसमें से जो भी वीडियो पे आपको सबटाइटल लगाना है वो वीडियो चूज कर लें। देन ये जो आपको सबटाइटल ऑप्शन दिख रहा है इस साइड में, इस पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ से ये सेटिंग ओपन नहीं होता है। इसके लिए हमें क्लिक करना है इधर वाले सबटाइटल ऑप्शन पे। तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, देन आप ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करें और जिस भी लैंग्वेज में आपको सबटाइटल ऐड करना है उस लैंग्वेज को चूज कर लें। मैं यहाँ से इंग्लिश चूज कर ले रही हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ इंग्लिश के पास जो अभी मैंने ऐड किया है उसमें आप देख रहे हैं ऑटो ट्रांसलेट वाला ऑप्शन ओपन नहीं है। तो फिर हम हिंदी पे आएंगे और यहाँ सबटाइटल के नीचे क्लिक करेंगे, पेंसिल मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सबटाइटल को पब्लिश कर देंगे। पेंसिल मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑटो ट्रांसलेट ऑप्शन ओपन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आपको एडिट करना है सबटाइटल, आप एडिट कर लें और फिर से पब्लिश कर लें। बस अब हम इस वीडियो को यूट्यूब पे ओपन करते हैं। तो आपको अभी यहाँ हिंदी में सबटाइटल दिख रहा है, यहाँ से हम सेटिंग ऑन करेंगे, देन कैप्शंस में आएंगे तो आपको यहाँ इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है जो कि ओपन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं सारे सबटाइटल इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए। इसी तरह से आप किसी भी लैंग्वेज में सबटाइटल को पब्लिश कर सकते हैं उसे ऑटो ट्रांसलेट करके। तो बस ये छोटी सी सेटिंग इतनी सी ही थी जो कि हम YT स्टूडियो से ही कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एडिटिंग मटेरियल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप ज्वाइन करके वहाँ के मटेरियल्स यूज कर सकते हैं अपने वीडियोस के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।